ये अपनी पूंछ की हेल्प से देखो धीरे धीरे करके अंडर वाटर भी आ चुकी है। यहाँ पे ये चारों फिशेज इसके साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो चुकी है यार। ओ माय गॉड। हेलो गाइस, मैं हूँ रयान। आप लोगों को पता होगा मेरे पास बहुत सारी पानी के ऊपर चलने वाली आरसी शार्क्स भी है, बहुत सारी क्रोकोडाइल्स भी है और आरसी फिशेस भी है। पर आज की वीडियो में मैं ऐसी आरसी शार्क और आरसी वेल खरीद के लेके आ चुका हूँ जो कि पानी के अंदर डुबकी लगा के चल सकती है। आज इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग स्विमिंग पूल में टेस्ट करने वाले हैं। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी मैंने खरीद लिया। ये शार्क देखो यार, बहुत ज्यादा अलग है दूसरे शार्क्स के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर 27 और 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के साथ रिमोट दिया गया है। और दोस्तों ये रही हमारी वेल, ये शार्क और ये वेल जो कि अंडर वाटर चल सकती है इंडिया में सिर्फ मेरे ही पास है। इसके अंदर भी देखो 27 और 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला रिमोट दिया गया है। अगर ये पानी में डुबकी भी लगाती है तो प्रॉपर तरीके से चलेगा। मेरे पास जो पुरानी वाली आरसी शार्क है उनके अंदर 2.4 गीगाहर्ट्ज का रिमोट दिया गया था, उसकी रेंज तो बहुत ज्यादा होती है पर उसको हम लोग जैसे ही पानी के अंदर लेके जाते हैं ना तो वो रिमोट से डिस्कनेक्ट हो जाती है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, बहुत ही अलग तरीके के रिमोट्स मिलते हैं। साथ में यहाँ पे स्विमिंग पूल भी मैंने खरीद लिया है। ये जो स्विमिंग पूल है थोड़ा सा इसका डीप कम होता है, तो आज ये स्विमिंग पूल में भी डाल के हमारी आरसी शार्क और आरसी वेल को टेस्ट करेंगे। साथ में ये बड़ा सा स्विमिंग पूल भी मेरे पास आ चुका है, इसको भी अनबॉक्स करेंगे और हमारी आरसी शार्क और आरसी वेल को ये दोनों स्विमिंग पूल्स के अंदर टेस्ट भी करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलो गाइस देखते हैं क्या ये सच में पानी के अंदर डुबकी लगा के या फिर अंडर वाटर चल पाएगी या फिर नहीं। सबसे पहले मैं ये अंडर वाटर शार्क को अनबॉक्स करने वाला हूँ, तो फटाफट से इसको मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। यार आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो भाई वीडियो पे, जरूर से लाइक कर देना यार, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की कमाल कमाल की वीडियो बना सकूं। ओ तेरी भाई, इसका साइज देखो यार कितना ज्यादा छोटा है। ओ माय गॉड, मेरे पास जितनी भी आरसी शार्क है ना यार उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, पर इसका साइज देखो यार इतना सही है भाई। मेरे को तो लग रहा है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा छोटी आरसी शार्क है। उत्तरी भाई ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है यार। यहाँ पे बायोनिक शार्क बोल के दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ से हम लोग इसको चला सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स भी दिए गए हैं, बाकी इसको रखते हैं यहाँ पे। ये है गाइस इसका रिमोट कंट्रोलर, बड़ा ही यूनिक सा रिमोट मिला है यार। देखो गोल गोल शेप में इसको बनाया गया है, दिखने में काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, इसके बटन अंदर की तरफ दिए गए, ऊपर की तरफ एक भी बटन आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे शार्क सबमरीन बोल के दिया गया। अच्छा आप इसको एक सबमरीन भी बोल सकते हो। ये इसका एंटीना है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से फिट हो जाएगा। क्रू ड्राइवर है और यहाँ पे इसकी यूजर गाइड है। इसको चलाने से पहले मैं यूजर गाइड जरूर से पढ़ूंगा, और इसको चार्ज करने के लिए एक चार्जर भी दिया गया। ओके गाइस, अब बायोनिक वेल को मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। इस तरीके का बॉक्स है, इसका भी बॉक्स आप देख सकते हो, थोड़ा सा छोटे साइज का है। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना और नीचे कमेंट करके बताना आपको शार्क अच्छी लग रही है या फिर ये वेल अच्छी लग रही है। ये बॉक्स के अंदर से आ चुकी है बाहर। यार ये बड़ी ही फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का डिजाइन इसके अंदर बनाया गया है। एक और चीज आप इसके अंदर नोटिस कर सकते हो, ये जो इसकी पूंछ है ना ऊपर भी हो सकती है साथ में नीचे भी हो सकती है। मेरे पास दूसरी जो वेल्स है उनकी जो टेल है ये इस तरीके से इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है। साइड में इसके फिन्स देख सकते हो, इस तरफ भी एक फिन है, सामने इसका हेड वगैरह आप देख सकते हो। दिखने में पूरी की पूरी एक रियल वेल जैसी ये दिखाई दे रही हो। यहाँ पे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट और यहाँ पे इसके छोटे छोटे से प्रोपेलर है, इस तरफ एक प्रोपेलर है और इस तरफ एक प्रोपेलर है। एक चीज मैंने नोटिस की है गाइस, इसके अंदर आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको प्रोपेलर वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ये अपनी पूंछ की हेल्प से ही पानी के अंदर यानी कि अंडर वाटर भी तैर सकती है। अब ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, रिमोट के ऊपर क्लियरली आप देख सकते हो 40 मेगाहर्ट्ज बोल के दिया गया है। यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के लिए दो बटन है, यहाँ पे इसका डी पैड है, ऊपर की तरफ एंटीना लग जाएगा इसके अंदर भी, और ये रहा इसका 40 मेगाहर्ट्ज वाला एंटीना। इसको मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। ओके, ये एक्सटेंड भी हो जाता है इस तरीके से, और ये है इसकी यूजर गाइड, ये रहा इसका चार्जर, और यहाँ पे है एक स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर बैटरी इंस्टॉल करने के लिए। तो ये नॉर्मल वाली वेल शार्क है जो कि इस तरीके की दिखाई देती है, और आप इसको बिल्कुल भी पानी के अंदर नहीं चला सकते हो। और ये हमारी नई वाली वेल है जो कि अंडर वाटर भी चल सकती है। इनके अंदर डिफरेंस आप देख सकते हो, एक तो इसका वेट बहुत ज्यादा कम है इसके मुकाबले में, और ये दिखने में भी बहुत ज्यादा छोटी है ये वाली वेल शार्क के मुकाबले में। और ये शार्क भी आप देख सकते हो जो कि मैंने आज ही खरीदी है, ये अंडर वाटर शार्क है और ये नॉर्मल वाली शार्क है जो कि पानी के ऊपर तैर सकती है, पानी के अंदर ये बिल्कुल भी तैर नहीं सकती है। तो आप लोगों को एक डाउट भी आ रहा होगा कि
मैंने इनको तालाब के अंदर क्यों नहीं चलाया है। एक्चुअल में गाइस अगर मैं इनको तालाब में चलाऊंगा ना तो ये प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि तालाब का जो पानी है होता है वो थोड़ा सा मैला होता है। तो इसलिए इनको चलाने के लिए मैंने इस तरीके के स्विमिंग पूल्स खरीदे हैं, ताकि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से पता चले कि एक्चुअल में ये अंडर वाटर है भी या फिर नहीं। ये इसको मैंने खोल दिया है, यहाँ पे इस तरीके के कुछ पाइप्स वगैरह दिए गए हैं। ये हमारा स्विमिंग पूल कम्प्लीटली रबर का बना हुआ है और कुछ तो है इसके अंदर, निकाल लेता हूँ मैं एक बार। ओ भाई काफ़ी ढेर सारी चीज़ें मिली है इसके अंदर, और ये भी मेटल के पाइप्स हैं और ये इसके कुछ जॉइंट्स है लगाने के लिए। इसका साइज़ देख लो, ओ माई गॉड काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है। तो इसको इंस्टॉल करके इसके अंदर पानी भी मैं आपको डाल के बताने वाला हूँ। ओके, ये रहा एक और स्विमिंग पूल, अब इसको मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। अगर आप ये स्विमिंग पूल्स को या फिर ये शार्क्स को या फिर ये व्हेल को खरीदना चाहते हो तो इनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर अमेजोन से भी खरीद सकते हो। ये सभी की सभी चीज़ों को मैंने अमेजोन से ही खरीदा है, पर इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा दी गई है यार। तो एक्चुअल में इसके अंदर हवा भरनी होती है, तो इसके अंदर हवा भर के इसके अंदर पानी डाल के मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, यहाँ पे दो पूल्स को मैंने रेडी कर लिया है। ये एक पूल है की लेंथ ज्यादा है, इसके अंदर डीपनेस देखो थोड़ी सी कम है, बाकी ये वाला पूल आप देख सकते हो काफी ज्यादा बड़े साइज का है। ये रेक्टेंगल शेप का है और इसका डीप देखो यार बहुत ज्यादा डीप है। दोस्तों सबसे पहले अंडर वाटर शार्क को मैं टेस्ट करने वाला हूँ। पानी के ऊपर मैंने इसको जैसे ही रखा था ना, ये डाइव लगा चुकी थी, वापस से ये ऊपर की तरफ आ चुकी है। तो ये बटन मैंने पकड़ के रखा है। अरे यार ये तो सच में पानी के अंदर जा रही है, ओह माय गॉड। एक काम करते हैं, पानी के अंदर के भी शॉट्स मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, यहाँ पे मेरा फोन में रख देता हूँ, आप देखते हैं गाइस क्या है सच में तैरेगी या फिर नहीं। ये लो भाई मैंने रिमोट के अंदर जैसे ही बटन पकड़ के रखा है ना, ये अपनी पूंछ की हेल्प से देखो धीरे धीरे करके अंडर वाटर भी आ चुकी है। इसने तो भाई ऑलमोस्ट नीचे जो सतह है उसको भी टच कर लिया था, अब मैंने जैसे ही बटन छोड़ा है ये वापस से ऊपर की तरफ आ चुकी है। यार मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो शार्क है सच में पानी के अंदर भी तैर सकती है। ये अपनी पूंछ को जितनी ज़्यादा तेज़ी से हिला रही है ना, उतनी तेज़ी से ये अंडर वाटर भी जा रही है, और इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से कोई भी डायरेक्शन में कंट्रोल कर पा रहा हूँ। अब ये अंडर वाटर वेल को मैं टेस्ट करने वाला हूँ, देखते हैं क्या ये शार्क की तरह ही पानी के अंदर से तैर पाएगी या फिर नहीं। यहाँ पे इसके अंदर कुछ तो रिएक्शन हो रहा है। अच्छा अब मेरे को समझ में आएगा, शायद इसके अंदर एक टैंक है, तो इसने अपने टैंक के अंदर वाटर फिल कर लिया है। अब देखो गाइस ये भी पानी के अंदर जा चुकी है यार। ओ माय गॉड इसकी स्पीड देखो यार, बहुत ज्यादा स्पीड है ये वाली वेल की। ये अपने प्रोपेलर की हेल्प से भी तैर रही है, साथ में अपनी पूंछ को भी देखो लेफ्ट राइट करके इस तरीके से तैर सकती है। इसको तो यार मैं शार्क से भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बटन छोड़ दिया मैंने अभी रिमोट के अंदर, देखो अपने आप ये ऊपर की तरफ आ चुकी है। वापस से मैं बटन प्रेस करूंगा तो ये अपने टैंक के अंदर वाटर फिल करेगी और अंदर डाइव लगा देगी ऊपर की तरफ। देखो रियल शार्क में जैसा होता है एक फाउंटेन, इसके भी ऊपर एक फाउंटेन दिया गया है। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये शार्क और ये वेल पानी के अंदर से भी तैर सकेंगी। अब आरसी शार्क और आरसी वेल के साथ मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे चार रियल फिशेस को खरीदा है, देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास चार बड़ी बड़ी फिशेस है। एक काम करते हैं, इन फिशेस को ये वाले पूल के अंदर छोड़ देते हैं। इनको मैंने मेरे घर के पास जो एक्वेरियम था वहाँ से परचेस किया था। ये एक फिश 150 रुपीज़ की मैंने खरीदी है। यार मैंने इनको जैसे ही पूल के अंदर छोड़ा है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि एक्वेरियम के अंदर ये बहुत ही छोटे से एरिया में तैर रही थी। यहाँ पे देखो इतना बड़ा पूल है, तो भाई ये बहुत मस्त तरीके से यहाँ पे तैरने लगी थी। मेरे पास देखो ये व्हाइट ऑरेंज वाली एक फिश है, बाकी यहाँ पे देख रहे हो ब्लैक ऑरेंज वाली एक फिश है और दो ब्लैक वाली फिशेस भी है। इनका शेप भाई काफी ज्यादा डिफरेंट है और ये बहुत ज्यादा एक्टिव मेरे को लग रही है। तो अब देखो मेरे पास जो अंडर वाटर शार्क और अंडर वाटर व्हेल है ना, उनको मैं पानी के अंदर छोड़ने वाला हूँ, फिर देखते हैं ये रियल फिश किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये व्हेल को देखकर देखो ये जो ब्लैक फिशेस है यहाँ से डर के भागने लगी है। एक काम करते हैं ऑरेंज ब्लैक के पास जाते हैं, ये तो डर के भाग ही गई यार यहाँ से। ओ माय गॉड, क्योंकि ये जो वेल है ना थोड़ी सी ज्यादा बड़े साइज की है, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि ये फिशेस इसको देखकर थोड़ी सी घबराने लगी है। ये तो कोने में छुप गई यार जाकर। ये वाली व्हाइट ऑरेंज फिश भी देखो हमारी वेल को देखकर उधर इधर भागने लग रही है। ओ नो यार, हमारी आरसी वेल थोड़ी सी नाराज हो गई है, पता नहीं इससे कोई भी फिश जो है दोस्ती नहीं करना चाहती है। अब एक काम करते हैं, ये खतरनाक सी आरसी क्रोकोडाइल को मैं छोड़ने वाला हूँ पानी के अंदर, फिर देखते हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करती है। ये तो पानी के
इसके अंदर डाइव भी नहीं लगा पा रही है। ये रियल फिशेस इसको दूर से ही देख के उधर इधर भागने लग रही है भाई, क्योंकि देख रहे हो ये जो हमारी ग्रीन कलर वाली जो क्रोकोडाइल है ये दिखने में बहुत ज्यादा डेंजर है। अब अंडर वाटर शार्क को छोड़ते हैं पानी के अंदर, अब देखते हैं ये किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये इसको देखकर बिल्कुल भी घबरा नहीं रही है, ये इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी है। मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पानी के अंदर चला के देखा है, यहाँ पे ये चारों फिशेज इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो चुकी है यार। ये देखो अभी ऑरेंज वाली के पास मैं जा रहा हूँ, तो ये भी इससे बिल्कुल भी नहीं डर रही है। मेरे पास एक आरसी ग्रेट ब्लू शार्क भी है जो कि पानी के ऊपर तैर सकती है। अब इसके साथ भी एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं मैं, इसको पानी के अंदर डुबो के देखने वाला हूं, देखते हैं क्या ये अंडर वाटर शार्क जैसी तैर पाएगी या फिर नहीं। मैंने इसको पकड़ लिया है, अंदर लेके जा रहा हूं मैं इसको भी। यहाँ पे देख रहे हो गाइस, बिल्कुल भी ये रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। जैसे मैंने इसको पानी के अंदर रखा था इसके प्रोपेलर ही घूमना बंद कर चुके थे, जैसे मैं इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से पानी के ऊपर तैर रही है। मेरे पास एक आरसी सबमरीन भी है, ये ऑलमोस्ट आधी पानी के नीचे होती है आधी पानी के ऊपर होती है, यानी कि ये पूरा पानी के अंदर डूब के नहीं चल सकती है, पर ये आरसी शार्क से बहुत ज्यादा स्पीड से चल सकती है क्योंकि इसके पीछे की तरफ दो बड़े बड़े प्रोपेलर्स भी दिए गए हैं। तो हमारे खेतों के पास एक बहुत बड़ा तालाब है, तो अब इन फिशेस को मैं आजाद करने वाला हूँ यार। चलो इनको अभी ये बड़े से तालाब में छोड़ते हैं, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं गाइस इनको। ये लो भाई, सारी की सारी फिशेस यहाँ से आजाद हो चुकी है अब। यार ये तो अंदर ही नहीं जा रही है, देखो किनारे पे ही तैर रही है। ये जो ब्लैक फिश है यहीं पे रह गई है, बाकी की दोनों फिशेस जा चुकी है, और ये वाली ब्लैक फिश भी देखो यहीं पे ही तैर रही है। अच्छा तो यहाँ पे लाइट है ना, लाइट की वजह से देखो लाइट को अट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि इनको ज़्यादा आदत नहीं है बड़े बड़े तालाबों में तैरने की। तो मेरे को लगता है जैसे हम यहाँ पे लाइट बंद करेंगे तो ये चली जाएगी अंदर। ये तालाब भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ, काफी ज्यादा बड़ा काफी मैसिव तालाब है ये, तो अब ये जो फिशेस हैं यहाँ पे काफी आराम से रह पाएंगी। मुझे आज ये अंडर वाटर व्हेल बहुत ज्यादा कमाल की लगी, क्योंकि ये अपनी पूंछ की हेल्प से भी तैर सकती है और साथ में प्रोपेलर की हेल्प से भी तैर सकती है। वैसे कैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, आपको अंडर वाटर शार्क अच्छी लगी या फिर ये वाली अंडर वाटर व्हेल बढ़िया लगी। चलो गाइस अभी मैं देने वाला हूँ शाउट आउट। पहला नाम है करमवीर, हयान, फरहान, शहजाद, सूरज, कार्तिक, देवेंद्र, निहाल, जबीर, संजीत। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।